वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हो तो ही आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे, वरना आपको हमारे जो नए अपलोड होते हैं या जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी और जो लेटेस्ट वैकेंसीज होती है जॉब वैकेंसीज उनसे वंचित रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में निकली हुई भर्ती के बारे में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने हाल ही में ही भर्ती जारी की है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सीधी भर्ती द्वारा चयन या सिलेक्शन आपका यहाँ पर होने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ऐसी पूरी जानकारी यदि आपको प्राप्त करनी है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, पोस्ट का नाम है स्टाफ नर और लैब असिस्टेंट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए है 10+2 विद साइंस एंड डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और बीएससी नर्सिंग और सिक्वेलेंस क्वालिफिकेशन के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 50 साल और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल होने के कारण आपको आपके एज में रिलैक्सेशन मिल सकती है। अप्लीकेशन फी आपको नहीं है, नो अप्लीकेशन फी है तो आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो। तो आप ये टेंशन ना लेके आपको पैसे भरने या नहीं तो ये चिंता आपसे दूर हो गई है कि अप्लीकेशन फी यहाँ पर नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर इंटरव्यू पैनल के द्वारा होने वाली है, तो आपकी यहाँ पर इंटरव्यू भी होगी, ये आप जान लीजिएगा। और पे स्केल क्या होगी, तो एज पर रूल्स कहा गया है ना, ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार आपको पे स्केल यहाँ पर मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए हम पीडीएफ में देखते हैं क्या जानकारी मिल रही है। तो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है उसके लिए उम्मीदवार ने सर्टिफिकेशन एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास 3 इयर्स कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड नर्सिंग कंप्लीट की होनी जरूरी है। लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी उसके लिए उम्मीदवार ने 10+2 यानी 12 पास होना जरूरी है विद साइंस प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आपको किया होना जरूरी है। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्राप्त उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए 50 साल है, यानी अधिकतम 50 साल के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। द एंगेजमेंट ऑफ स्टाफ एंड लैब असिस्टेंट विल बी फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाला है और उसके बाद आपका सिलेक्शन परमानेंटली हो सकता है, पर पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाला है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा लैब असिस्टेंट और स्टाफ नर्स के लिए। और एलिजिबिलिटी और विलिंग जानकारी जो हमने आपको पहले बता दी है कि टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे तो आप रीड कर सकते हो। अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया गया है और इस फॉर्मेट में आपको आपका अप्लीकेशन भेजना है। जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, जो SPO GICF शेल डिवीजन चेन्नई 60038, इस एड्रेस पे आपका एप्लीकेशन भेजना है। और वो कब तक पहुंचना चाहिए, तो वो 17 मई 2018 के पहले पहुंचना चाहिए। जॉब लोकेशन चेन्नई है, यानी सिलेक्ट होने पे आपकी पोस्टिंग चेन्नई में होगी। तो हमारे जो भी उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या मेडिकल फील्ड में जॉब पाना चाहते हैं, ये सुनहरा मौका आपके हाथों से ना गवाए। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा ये भर्ती जारी की गई है और डिग्री पास होना जरूरी है, पर कुछ कुछ इसमें आपने यदि 12th के बाद डिप्लोमा किया है टेक्नीशियन का तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ वैकेंसी स्पेसिफाई नहीं की गई है, यहाँ पर वेरियस वैकेंसीज कही गई है, तो आप चिंता ना करें, आप जितने जल्दी हो सके इस पोस्ट को अप्लाई करिएगा। फ्री में अप्लाई करना है तो आपको पैसे तो खर्च नहीं करने होंगे यहाँ पर, तो जरूर आपका एप्लीकेशन भेजिएगा और आपका एप्लीकेशन निश्चित करें। बहुत दिनों बाद इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में भर्ती निकली है और यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो जरूर ये वीडियो अंत तक देखें और आपके दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें और साथ आप एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके कारण आप दोनों को एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, जो आपको और आपके दोस्तों को। तो जरूर ये वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और अप्लाई भी करें। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करने ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।